हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा रमदान का जो लालटेन होता है, आप देखते होंगे ये रमदान डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, खासकर गल्फ कंट्रीज में। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी बॉक्स की डाई लाइन बनाना आपको सिखाने वाला हूँ, और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है रमदान का लालटेन बॉक्स। ये इस तरह का डेकोरेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसको डेकोरेशन के अलावा गिफ्ट देने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इस बॉक्स में लोग कुछ भी रखकर, चॉकलेट्स वगैरह रखकर एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं रमदान में। तो आइए चलते हैं अपने एडोब इलस्ट्रेटर पर और इस बॉक्स की डाई लाइन बनाना आपको सिखाते हैं। तो मैं आ चुका हूं अपने एडोब इलस्ट्रेटर पर, और यहां पर आप देख रहे हैं ऑलरेडी एक डाई लाइन बनी हुई है, और मैं सेम डाई लाइन आपको बनाना सिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये नीचे से है, इसका साइज 7.7 सेंटीमीटर, और ऊपर से इसका साइज है 16 सेंटीमीटर। तो इसी साइज का बॉक्स मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और मैं सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लूँगा, इसे कॉपी कर लूँगा और इसको यहाँ से हटा दूँगा। तो सबसे पहले उन लूँगा मैं एक रेक्टेंगल 16 और 19.5, ये हो गया। अब नीचे से हमें इसको करना है 7.7 सेंटीमीटर, यानी कि ये है 16 का आधा होता है 8, तो हमें यहाँ पर कम करना है 8.3 सेंटीमीटर। तो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, इंटर प्रेस करूँगा, और यहाँ पर मैं दूंगा 4.150, और सेम इधर से भी इंटर माइनस 4.150। तो अभी मैं इसको चेक कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये आ चुका है 7.7 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो ये हमारा बन चुका है ऊपर का भाग। उसके बाद आप यहाँ पर ये डिज़ाइन और फोल्डिंग देख रहे हैं, इसको आप, इस डिज़ाइन को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये है, ये यहाँ पर ये वाला पार्ट आएगा। उसके बाद ये देखिए, ये वाला पार्ट जो कटा हुआ है वो ये वाला पार्ट है। तो इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से लूँगा 1.5 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल लगाऊंगा, तो इसे मैं दूंगा 1.5, ये देखिए 1.5 हो गया। उसके बाद यहाँ से आप देख रहे हैं नीचे से आपको कितना रखना है, ये भी देख लीजिए, और एक बॉक्स आप बना लीजिएगा। उसके बाद आपको छोटा बड़ा करना है, पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करके आप रिसाइज कर लीजिएगा, बस आपको उसको दोबारा नहीं बनाना है। अगर आपके पास मुख्तलिफ साइजेस का रिक्वायरमेंट है तो आपको दोबारा नहीं बनाना है, बस आपको एक ही बना लेना है, उसके बाद उसी को रिसाइज कर देना है। रिसाइज यानी आपको स्केल में आकर के आपको परसेंटेज के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे इसकी हाइट देख रहे हैं, ये है 14.7। तो यहाँ से ये देखिए, मैं एक रेक्टेंगल लगाऊंगा और इसे मैं दूंगा 14.7, ये देखिए ये हो गया 14.7। अब हमें इसको यहाँ से मिलाना है, ये देखिए, और इसे हमें यहाँ से मिला देना है, ये देखिए इस तरह से ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारी है फोल्डिंग लाइंस, ये देखिए, यहाँ से अगर मैं चेक करूँ, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 1.35 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर इसको दे देते हैं 1.35, ये हो गया। उसके बाद ऊपर का जो पार्ट है ये हमारा 16 सेंटीमीटर, इसका एक तिहाई भाग हमें सेंटर में रखना है, यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हम यहाँ पर रखेंगे 16 / 3, यहाँ पर आ रहा है 5.3 सेंटीमीटर। तो हमें एक यहाँ पर रेक्टेंगल लगाना है 5.3 सेंटीमीटर का, और इसे हम कलर देंगे ग्रीन, क्योंकि ये फोल्डिंग रहेगा, ये देखिए, और इसको हमें सेंटर में रखना है। उसके बाद इसे हमें दे देना है 5.3, ये देखिए ये हो गया। अब यहीं से हमें एक लाइन स्टार्ट करनी है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करनी है, और हमें ये यहाँ पे मिला देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद सेम
इसी को करिए कॉपी और यहाँ से रिफ्लेक्ट करिए और यहाँ से रिफ्लेक्ट करिए और उसको आप यहाँ से मिला दीजिए। देखिए ये तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया, ये देखिए जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है वैसा ही यहाँ पर बन गया। तो सबसे पहले हम इसको भी देख लेते हैं ये कितना सेंटीमीटर, ये देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है 6.35। तो हम सेम इश्यू करेंगे कॉपी इंटर 6.35 और ये कॉपी हो गया, ये देखें ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद इसकी साइज़ आप देख लीजिए लेंथ इसकी कितनी है, तो ये है 9.6 सेंटीमीटर। तो इसको आप कर लीजिए 9.6, तो हम इसको कर लेते हैं 9.6, ये देखिए ठीक हो गया। ये देखिए अभी आपको दिख रहा होगा थोड़ा सेम टू सेम। उसके बाद ये वाला पार्ट देख लीजिए, ये इसकी हाइट है 1.5 और इसकी विड्थ है 6.8 इंटर 1.5 और 6.8, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कर्व है, तो हम एक रेक्टेंगल लेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से मिला देंगे, ठीक हो गया। और इसको हम थोड़ा सा उठाएंगे ऊपर, ये देखें। और ये सब डिज़ाइन आप अपने हिसाब से बना भी सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक एंकर पॉइंट लगाएंगे, इसको देंगे कर्व और उसके बाद इसे हम खींच लेंगे, ये देखिए इस तरह से खींचेंगे और यहाँ से मिलाएंगे। और अभी मैं इसको हटा देता हूँ, उसके बाद इसे हम यहाँ से मिलाएंगे और ये यहाँ से, उसके बाद इसको भी हम दे देंगे फुल कर्व, ये देखिए हो गया ना। अभी आपको कुछ कुछ सेम सेम दिख रही होगी जैसे यहाँ पर है, तो ये हो गया। इसको आपको सेट करना है सही से, उसके बाद इसको आपको जैसे भी सेट करना है सेट कर लीजिए। इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, तो ये अभी आपको सेम टू सेम दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अभी ये जो लाइन है कॉपी करेंगे इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और इसे हम यहाँ से मिला देंगे, ये देखिए इसे हम यहाँ से मिलाएंगे, इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ से मिला देंगे, ये देखिए हम बीच की लाइन हटा देंगे, ये बीच की लाइन हमें नहीं चाहिए, ये देखिए। तो अभी आपको दिखने लगा होगा सेम टू सेम। और ये हमारी जो है ये कटिंग वाली है, इसे हम दे देंगे रेड कलर, ये देखिए हो गया ना। उसके बाद ये वाली जो लाइन है आप इसमें अपने हिसाब से जैसे आपको डेकोरेशन देनी है आप दे सकते हैं। अभी हम इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और ये यहाँ से मिला देते हैं, उसके बाद ये पार्ट हम यहाँ से हटा देते हैं और इस पार्ट को हम यहाँ से मिला देते हैं और इस वाले पार्ट को हम यहाँ से मिला देंगे। और यहाँ पर हम एक लगाएंगे एंकर पॉइंट और इसे हम दे देंगे कर्व। यहाँ पर आ जाइए पेन टूल में, ये वाले टूल में, और इसे ये देखें ये इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। इसी तरह से यहाँ पर भी एक एंकर पॉइंट लगाएंगे और ये एंकर पॉइंट लगाएंगे सेंटर में और फिर ये वाला टूल लेंगे और इससे भी हम ये देखें पहले इसको दे देंगे, इसको दे देंगे कर्व। इस एंकर पॉइंट को पहले हमें देना है कर्व, उसके बाद ये वाला पेन टूल लेंगे, इसका नाम है कर्वेचर। तो ये टूल लेंगे कर्वेचर टूल लेंगे और इसे हम ये देखें इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं बन रहा है कि नहीं वैसा ही। तो फ्रेंड यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये पार्ट जो है ये हमारा अंदर की तरफ जाएगा, ये देखिए इसको हम करते हैं सिलेक्ट और टूल लेते हैं कर्वेचर और इसे ये देखिए इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। और इस वाले पार्ट को ये देखिए इस तरह से हम सेलेक्ट करके बना लेते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कर्व दे सकते हैं, जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है कर्व, ऐसा भी आप चाहें तो कर्व लगा सकते हैं। तो उसके लिए एक एंकर पॉइंट और लगाना पड़ेगा, ये देखिए। उसके बाद यही टूल लेंगे
और इससे ये देखें इस तरह से हम इसको बना देंगे, ये देखिए। तो इस तरह से हम इसको अपने हिसाब से जैसा चाहे सेट कर सकते हैं, ये देखिए। ये इस तरह से हमें बनाना है, जब ये बंद होगा तो ऐसा आपको दिखने लगेगा बंद होने के बाद। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा ऊपर है, तो हम इसको भी थोड़ा सा उठा लेते हैं ऊपर। ये देखिए इस तरह से आपको बना लेना है। फोल्ड होने के बाद वैसे दिखने लगेगा जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये भी पार्ट हमारा बन गया है। अब हम इसको सेम करेंगे कॉपी और रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट करके हम इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये एकदम परफेक्ट बन गया है। तो अभी आप देख रहे होंगे ये पार्ट हमारा एकदम परफेक्ट जैसा यहाँ पे था वैसा ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये सारे ये चार जो आपको दिख रहे हैं चार पैनल सब सेम ही है, ये सब सेम ही है, बस आपको थोड़ा सा इसमें लॉक वॉक लगाना है, बाकी सब सेम है। यहाँ पर ये देखिए ये लॉक है इसका, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। तो आपको इसको भी बनाना होगा। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर हाइट देख लीजिए, हाइट कितनी है 2.7, तो आपको यहाँ पर रखना है 2.7 सेंटीमीटर। ये देखिए हाइट इसके देंगे 2.7, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आपको एक हैंडल लगा लेनी है, ये देखिए यहाँ पर जो हैंडल है ये है 4.3 सेंटीमीटर की। तो आप इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पर रखिए 4.3 दे दीजिए और इसको ये देखिए जैसे भी डिज़ाइन आपको अच्छे लगे वैसे डिज़ाइन बना लीजिए। तो मैं इस तरह के डिज़ाइन बनाता हूँ, ये देखिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी डिफरेंस है, लेकिन मैं इस तरह के डिज़ाइन बनाऊँगा जैसे आपको यहाँ पर दिख रही है। लेकिन इसको अगर थोड़ा थोड़ा अंदर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, क्योंकि ये इसके अंदर जाना है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं पहले। तो हम यहाँ से इसको एंकर पॉइंट लगाएंगे 0.5 का 0.5 और यहाँ से भी -0.5, उसके बाद सिलेक्ट और ये कर्व। तो ये ज़्यादा सही दिख रही है, ये देखिए ये आपको हैंडल ज़्यादा सही दिखेगी। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये इसका हैंगर है, इसी के अंदर कुछ भी आप धागा वागा डाल करके कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। तो इसको हम बना लेते हैं 2x2 सेंटीमीटर का। तो एक रेक्टेंगल लेंगे 2x2 और इसको हम इसके सेंटर में रखेंगे, ये देखिए ये सेंटर हो गया। उसके बाद इसको करिए सिलेक्ट और इसको इस तरह से कर्व दे दीजिए, ये देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ से थोड़ा थोड़ा अंदर है। तो आप चाहे तो अंदर भी कर सकते हैं और आप चाहे तो सेम टू सेम भी रख सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा अंदर करता हूँ, पहले मैं अंडू करता हूँ, सेलेक्ट और 0.2, यहाँ से भी -0.2, फिर इसको करेंगे सिलेक्ट और दे देंगे कर्व, ये देखिए। तो अभी आपको दिख रहा होगा जैसा यहाँ पर है वैसा ही थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी सी कम है और इसकी हाइट मैंने थोड़ी सी बढ़ाया है। तो इस तरह का ये बनाना है। ये पार्ट जो है ये है कटिंग वाला, तो हम इसको देंगे ये कलर कटिंग वाला। उसके बाद हम बाद में इसको अलग करेंगे सारी लाइंस, या भी अलग कर देते हैं, ये देखिए इस तरह का ये है। और ये भी कटिंग है तो हम इसको भी दे देते हैं ये लाइन, लेकिन यहाँ पे ये फोल्ड देंगे Ctrl X Ctrl B और Ctrl B, और हमें सिंगल लाइन से रखनी है और यहाँ पे कलर ये दे दिया। तो ये है कटिंग और ये दोनों फोल्डिंग, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर भी ये है फोल्डिंग, ये देखिए। तो अभी आपको दिखने लगा होगा
सेम टू सेम जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है वैसा ही यहाँ पर बन गया है। तो ये पार्ट हमारा बन गया है, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। ये वाला जो पार्ट है उसमें फर्क है, तो हम इसको भी बना लेते हैं। तो अभी हम इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पर रखेंगे और ये पार्ट हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। ये देखिए अभी हमें ये पार्ट बनाना है, तो हम रेक्टेंगल लेंगे 5.4 by 2.5, ये होगा। इसको हम करेंगे रोटेट और इसे हम यहाँ पर लगाएंगे और सेम हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ पर लगाएंगे। अभी हम देखते हैं बीच में हमारा 3 mm आया या नहीं। तो यहाँ पर 3 mm बीच में आ चुका है, एकदम परफेक्ट ये बन गया है जैसा कि यहाँ पर था। उसके बाद ये वाला लॉक जो है ये इसके अंदर आ करके लॉक होगा। तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल लेंगे, ये देखिए इसको हम रखेंगे 2 cm और इसे हम अच्छे से यहाँ से मिला देंगे, ये देखिए इस तरह से जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद इसी को एक कॉपी और करेंगे यहाँ पर रखेंगे और इसे हम दे देते हैं 2.3 cm। उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे भी डिज़ाइन बनानी है आप बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको पहले 1.5 दीजिए और यहाँ पर एक सर्किल लगाएंगे और सेंटर में इसको रखेंगे सर्किल को, ये देखिए सेंटर में रखने के बाद अभी हम साइज़ देखते हैं। तो अभी साइज़ हो गया 2.4, तो हम इसको थोड़ा सा कम करेंगे, इसको हम दे देंगे 1.8। अभी हम चेक करेंगे तो अभी हाइट आ रही है 2.4, तो थोड़ा सा हम और कम करते हैं 1.7 करते हैं, तो ये 2.3 आ जाएगी। तो ये 2.3 आ चुकी है। अब हम इसको करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से दे देंगे यूनाइट, ये हो गया। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर सिलेक्ट करिए और इसको दे दीजिए कर्व। ये इस तरह से भी आप चाहें तो डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे आपको डिज़ाइन अच्छे लगे आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ ये डिज़ाइन थोड़े से डिफरेंस है और मैंने थोड़ी डिफरेंस बनाई, चाहे तो यहाँ पर भी कर्व दे सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, तो आपको ये सेम टू सेम दिखने लगी होगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद एक कर्व और लेंगे 2x2 का और इसको हम यहाँ पर रखेंगे, ये देखिए ये हो गया। इसको हम देते हैं 1.9 और उसके बाद इसे हम यहाँ से हम इसको काट देना है, ये देखिए। तो ये वाला जो लॉक है ये इसके अंदर जा करके लॉक हो जाएगा, ठीक हो गया। इसको आप सब सेंटर में कर लीजिए, इसको सेंटर में कर लीजिए बिल्कुल, ये देखिए ये अभी परफेक्ट हो गया है। तो इस तरह से ये भी लॉक हमारा बन चुका है। और ये साइज़ हम देख लेते हैं क्योंकि ये साइज़ और ये साइज़ हमारी सेम होनी चाहिए हाइट, ये देखिए तो ये परफेक्ट है सेम है। तो जब भी आप बनाइए, जब भी आपको हाइट बनानी तो यहाँ से आप विड्थ ले लीजिए और यहाँ से रोटेट करके भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बन चुका है। अभी हम इसकी भी फोल्डिंग लाइंस हम अलग कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ये लाइंस, सॉरी डबल क्लिक करेंगे इस पर और ये लाइन हटा देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी डबल क्लिक और ये लाइन हटा देंगे, ये देखिए दिख रही होगी ना आपको सेम टू सेम। और यहाँ पर हमें एक लाइन लगानी है कटिंग वाली, ये देखिए ये लाइन हमारी कटिंग वाली है ये, और ये भी हमारी फोल्डिंग वाली है। कंट्रोल एक्स करेंगे और इसको हम यहाँ से हटा देंगे, कंट्रोल एफ करेंगे और इसे हम दे देंगे फोल्डिंग लाइंस और ये भी हमारी फोल्डिंग लाइन है, ये देखिए ये भी हमारी फोल्डिंग लाइन है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेम टू सेम बन गया है, लेकिन ये बीच की लाइन हमें यहाँ से हटा देनी है। डबल क्लिक, एक एंकर पॉइंट यहाँ पर, एक एंकर पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट और ये हो गया। तो इस तरह से आप इसको बना लीजिए, अभी आपको दिख रहा होगा सेम टू सेम। ये ऊपर से भी हमें यहाँ से पूरा कटिंग करना है,
ब्रिंग टू फ्रंट, ये देखिए। तो इस तरह से हमारा अभी कौन सा पार्ट बन गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बन चुका है। अभी हमें बनाना है ये पार्ट। तो ये वाला पार्ट भी बहुत इजी है, इसी को हम करेंगे कॉपी, यहाँ पर रखेंगे। और इस पार्ट में हमें ये सब, हमें ऊपर से सब कुछ हटा देना है। और अभी हमें सिर्फ ये दोनों पार्ट यहाँ पर हमें रखने हैं, ये देखिए इस तरह से। ये वाला कंट्रोल एक्स करेंगे और इन सबको हटा देंगे, कंट्रोल एफ करेंगे और थोड़ा सा कर्व देंगे ऊपर से, ये देखिए। और इसे हम यहाँ से मिला देंगे, ये इस तरह से, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक हो गया, अभी ये सब हमारा सही हो गया। डबल क्लिक करेंगे और इसको हटा देंगे, क्योंकि ये लाइन हमारी फोल्डिंग वाली है, ये देखिए सही हो गया। ठीक हो गया ना, अभी ये भी हमारा बन चुका है। अभी ये वाला लॉक यहाँ पर आ करके लॉक होगा, तो यहाँ पर हमें लगाने हैं 2x.3, और इसको हमें सेंटर में रखना है, ये देखिए। सेंटर में रखने के बाद ऊपर से हमें 2 सेंटीमीटर नीचे करना है, ये देखिए। अब हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके चेक करेंगे कि हमारा ये लॉक परफेक्ट है या नहीं, ये देखिए। ये हमारा, ये इसके अंदर जा करके लॉक होगा, ये वाला इसके अंदर चला जाएगा और ये लॉक हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे 1 mm, तो और अच्छा रहेगा। तो -0.1 कर देते हैं, तो ये एकदम परफेक्ट लॉक हो जाएगा। तो अभी हमारा कौन कौन सा पार्ट बन चुका है, सारे पार्ट बन चुके हैं। ये वाला बन चुका है, ये वाला बन चुका है, और ये भी बन चुका है, और ये दोनों सेम है, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमें 2 बार कॉपी करना है। इसको करेंगे कंट्रोल जी, इसको भी करेंगे कंट्रोल जी ग्रुप, इसको भी करेंगे ग्रुप कंट्रोल जी। तो ऊपर का हमारा सारा पार्ट बन चुका है, अभी हमें बनाना है नीचे का ऑटो लॉक। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं इसका ग्लू लैब। ये बॉक्स उल्टा है, ये पार्ट इधर आना चाहिए, तो मैं सीधा बनाऊंगा। आप ऐसा भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मशीन से पेस्टिंग होने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए हमेशा जब भी आप बनाइए ग्लू लैब इस साइड में रखिए, ठीक है। ग्लू लैब हमेशा आपको इस साइड में रखना होता है। तो अभी हमें ग्लू लैब लगाना है 2, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो हम अभी लेंगे 1.4 और हाइट हम रख लेते हैं 12। उसके बाद हम यहाँ से चेक करते हैं, इसको हम और बड़ा करते हैं यहाँ तक, ये देखिए। और यहाँ से ये है कर्व, ये देखिए ये कर्व है, तो आपको यहाँ पर भी कर्व रखना है, ये देखिए इसको आप कर्व कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर 1.2 सेंटीमीटर के कर्व रख लेता हूँ, रोटेट टूल, और यहाँ से मिला देंगे, ये देखिए। लेकिन उससे पहले इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठाऊँगा, -1, उसके बाद मैं रोटेट टूल लगाऊंगा यहाँ पे, और इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, रोटेट टूल लगाऊंगा यहाँ पर, और इसे दे दूंगा रोटेट, ये देखिए। इस तरह से हमें इसको रोटेट करके मिला देना है, कंट्रोल वाई कर लीजिए और आप अच्छे से इसको मिला लीजिए, ये देखिए। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा बन गया है, ठीक है। ऊपर से भी चेक कर लेते हैं, ऊपर से भी हमें अच्छे से मिला लेना है। यहाँ से अच्छे से मिला नहीं है, तो हम इसको मिला लेते हैं इस तरह से, रोटेट टूल एक बार और लगाते हैं यहाँ पर, और इसे हम यहाँ से मिला देते हैं। तो ये अभी परफेक्ट हो गया है, अभी आप देख रहे हैं, ये इस तरह से हमें इसको बनाना था। और सेम हमें एक यहाँ पर भी लगाना है ग्लू लैब, ठीक है। तो सेम हम लेंगे 1.4, और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, यहाँ पर रख लेता हूँ 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको ऊपर नीचे से झुकाता हूँ, 1 सेलेक्ट 1, और नीचे से भी
सेलेक्ट माइनस वन, ये देखिए इस तरह से हमें इसको लगाना है, यहाँ से मिलाना है और इसकी हाइट और बढ़ा लेते हैं। रोटेट टूल लेंगे, यहाँ पर रखेंगे और इसे इस तरह से रोटेट कर देंगे। कंट्रोल वाई कर लीजिए और आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। ये देखिए इस तरह से आपको मिला लेना। तो ये हमारा ग्लू लैब भी लग गया है। तो अभी ये बॉक्स हमारा तकरीबन बन गया है, बस अभी हमें इसका नीचे का ऑटो लॉक या फिर स्नैप लॉक बना लेना है, जो भी आपको सही लगे वो आप बना लीजिए। तो अभी मैं इसका ऑटो लॉक ही बनाता हूँ। ऑटो लॉक ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और आप लोगों को कई बार मैंने सिखाया भी है। तो अभी मैं इसका ऑटो लॉक बना लेता हूँ, लेकिन यहाँ से पहले इसकी लाइंस जो है ये मैं हटा लेता हूँ। कंट्रोल एफ करता हूँ और इस लाइन को दे देता हूँ ग्रीन कलर। ये देखिए तो ये हमारी फोल्डिंग लाइंस हो जाएगी। अब हम इसको कर देंगे कंट्रोल जी। तो ये हो चुका है, ये हमारा बन चुका है। नीचे का पार्ट हमारा था 7.7 सेंटीमीटर। ये देखिए कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और यहाँ पर 7.7 आपको दिख रहा होगा। तो इंटर प्रेस करेंगे 7.7, क्योंकि हमारा चारों पार्ट सेम साइज का है। ये देखिए सेलेक्ट करेंगे दोनों को, कंट्रोल जे करेंगे। ये देखिए उसके बाद इसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके बाद एक कॉपी और करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और इसका लॉक हम लगा लेते हैं 1.8 सेंटीमीटर का। उसके बाद इसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और सेम हम यहाँ पर लगा लेंगे। ये देखिए हो गया। हम इसको बाहर रख के पहले बना लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एक कॉपी और करेंगे इसको और यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर पहले इसका लॉक बनाते हैं। 1.8 रखा था तो मैं यहाँ पर रखूँगा 0.8। तो इसको मैं यहाँ से मिलाता हूँ, इंटर 0.8 और इसको मैं थोड़ा सा अंदर करता हूँ, लेकिन बाद में इसको एडजस्टमेंट अभी बाकी है। क्योंकि ये था 7.7, तो 7.7 का आधा कितना होता है, इसको हम करेंगे सेलेक्ट 7.7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7.7 डिवाइडेड बाय 2 0, तो ये आ गया 3.85। ओके कर देंगे और यहाँ से हम 1.5 पे दे देंगे, ये सही हो गया। अब हम इसको मिलाएंगे यहाँ से और रोटेट टूल लेंगे, आर यहाँ पर रखेंगे और हम इसे रोटेट करेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हमें ये वाला साइज़ निकालना था, तो हम इसको यहाँ से मिलाएंगे। तो ये साइज़ हमारा आ रहा है 1.8, तो ये सही हो गया। अब हम इसको दोबारा रोटेट टूल यहीं पर रखेंगे और इसे रोटेट कर देंगे। तो ये हमारा परफेक्ट हो गया, 1.8 था तो हम यहाँ से भी 1.8 कर देंगे, सेलेक्ट माइनस 1.8। तो ये हमारा परफेक्ट हो गया, सबको करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से दे देंगे यूनाइट, ये परफेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पर दो एंकर पॉइंट लगाएंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ऊपर से मिलाएंगे, इंटरफेस करेंगे 0.5 करेंगे और यहाँ से माइनस 0.5 करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको बनाना था, सॉरी। अब हम इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे, माइनस 0.1 करेंगे और एक हमें लगानी है लाइन, फोल्डिंग लाइन, यहाँ से स्टार्ट करनी है 45 डिग्री पर और यहाँ से मिलानी है, एकदम परफेक्ट। ये देखिए ये होता है परफेक्ट काम, ये देखिए। अब हम इसमें दे देंगे ग्रीन कलर और यहाँ से भी हमें अंदर करना है 5 mm, सेलेक्ट 0.5 और यहाँ से ये हमें एंकर पॉइंट हटा देना है। तो ये हमारा परफेक्ट एकदम 100% बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसको लगा लेते हैं, तो यहाँ से ये मिलाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद ये हम यहाँ पर मिलाएंगे, ये भी सही हो गया। कंट्रोल वाई कर लीजिए और आप अच्छे से मिला लीजिए।
ये सही हो गया, ये भी आप अच्छे से मिला लीजिए, परफेक्ट। ये भी हो गया, यहाँ वहाँ से जो निकलता है इसके लिए मैंने पहले भी बताया है, सेलेक्ट करिए सबको और स्टॉक में आइए, यहाँ से दे दीजिए राउंड ज्वाइन, अब ना निकलेगा, ये देखिए अब परफेक्ट हो गया ना। तो ये भी हो गया, अब हम सेम इसको कंट्रोल जी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पर रखते हैं इसके सेंटर में, और सेम हम ये वाला पार्ट यहाँ पर रखेंगे सेंटर में। तो अभी ये हमारा सही हो गया, ये एकदम परफेक्ट हो गया है, लेकिन इसकी भी लाइन हम हटा लेते हैं एक बार में, सारा काम कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स करेंगे और कंट्रोल एफ करेंगे, जितनी भी डबल लाइन्स हम ये सब हटा लेंगे, फिर करेंगे सबको सिलेक्ट, आईड्रॉपर टूल लेंगे, यहीं से कलर पिक कर लेंगे ग्रीन। तो ये हमारा बन चुका परफेक्ट, अब हम करेंगे सबको कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी और कंट्रोल जी, ये हो गया। अब हमें सबको करना है रोटेट, मिला लेना है हमको इसको यहाँ से, रोटेट टूल रखना है यहाँ पर सेंटर में और इसे कर देना है रोटेट, बहुत ही ईजी है, आपको एक बार बस समझना है कि ये देखिए ये यहाँ पर मिल जा रहा है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा और अंदर करेंगे 0.5 और अंदर करते हैं, ठीक है, और इसको भी हम और अंदर करते हैं, तो अभी ये परफेक्ट आ जाएगा जैसा कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। उसके बाद अब हम रोटेट टूल यहाँ पर रखेंगे सेंटर में और ये इस तरह से मिला देंगे, ये देखिए इस तरह से हमें इसको बना लेना है, ये देखिए ये हो गया ना, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको और अंदर करें 3 mm 0.3 तो ये ज़्यादा परफेक्ट आएगा, इसको भी कर देते हैं 0.3, अभी ये और अच्छा आएगा। रोटेट टूल यहाँ पर रखेंगे और ये इसको दे दिया रोटेट, सॉरी तो ये एकदम परफेक्ट हो गया, ये देखिए ये यहाँ से भी परफेक्ट मिल रहा है, हमें इसी तरह से बनाना है कि ये दोनों एकदम परफेक्ट मिल जाए। उसके बाद इसको भी हम यहाँ से मिलाएंगे, कंट्रोल वाई करके मिला लेते हैं, ठीक हो गया। आर रोटेट टूल यहाँ पर रखेंगे, और इसे हम दे देंगे रोटेट, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये लाइन आपस में मिलनी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस तरह से आपको बनाना है, इसको भी हम यहाँ से मिलाएंगे, कंट्रोल वाई करके आप अच्छे से मिला लीजिए, ये देखिए आपको ये यहाँ से मिला लेना है, फिर रोटेट टूल यहाँ पर रखना है, उसके बाद इसको अच्छे से रोटेट करके यहाँ से मिला दीजिए, एकदम परफेक्ट, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है ये बॉक्स हमारा। अब ये बीच की भी लाइन हमें हटानी है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल बी, डबल लाइन हम हटा लेंगे और इन सिंगल लाइंस को हम दे देंगे ग्रीन कलर, ये देखिए ये हमारा परफेक्ट एकदम रमदान के लिए ये हमारा लालटेन बॉक्स बन करके रेडी हो गया है। देखा आपने कितनी आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया, इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सा पार्ट कहाँ पर आएगा, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट जो आपको ये और ये दिख रहा है, ये दोनों आपस में मिलेंगे और इसके अंदर आकर के लॉक हो जाएंगे,
उसके बाद आपको ये पार्ट जो दिख रहा है, ये पार्ट है ये वाला, ये देखें, ये पार्ट इसके अंदर आकर के लॉक हो जाएगा। और ये जो उसके अलावा ये दो पार्ट दिख रहे हैं, ये है सपोर्टिंग के लिए, ये इसके इसको सपोर्ट देगा, ठीक है, इसके ऊपर ये सपोर्ट देगा। तो ये इस तरह से बनेगा। और ये पार्ट जो है ये कट करके, ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पर है, ये जब कटिंग होगा तो इस तरह से ऊपर उभर के आएगा। और ये पार्ट जो दिख रहा है ये भी यहाँ पर, ये भी यहाँ से कटेगा, तो ये इस तरह से उभर कर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ओपन में भी आप देख सकते हैं, ये इस तरह से ये ओपन रहेगा, इस तरह से क्लोज रहेगा। तो इस तरह से ये रमदान का लालटेन बॉक्स बन करके रेडी हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए शेयर। अभी रमज़ान आने वाला है और आप इस तरह का बॉक्स बनाइए और लोगों को गिफ्ट दीजिए, और इस बॉक्स को आप डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ भी सीखा है इस वीडियो से, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही बगल में आपको घंटी दिख रही है, वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन मिलेगा, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए तो आपको मुझे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो फिर मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।